मरुड़ी आशंकर भयर आदिवासी वर्षापाई जंगल रे डंगर बुढ़ा पूजा पशु बलि प्रकृति को कले खुशी बाजुची ढोल निशान ताशा आउ महुरी ताले ताले दुलुकी उठुची पंचवाद्य गाँ दाण्ड हाथ में खंडा तलवार धनु तीर भी रही बेस धूमधाम रे वाद्यर ताले ताले नाच नाची आगक बढ़ी चली। ए दृश्य होची सगड़घाट पंचायत पहाड़ पर्वत भरा आबड़ खबड़ रास्ता दे पूजा थाली नहीं जंगल अभिमुखे बाहरी आदिवासी लोके आउ जंगल भितर देखा मिले पारंपरिक नाच गीत जो महिला पुरुष समस्ते हो जाते मशगुल। ए पूजा होची डंगर बुढ़ा पूजा आउ टेटलागड़ अंचल मरुड़ी आशंका देखादेवर वर्षापाई आदिवासी दीर्घ 4 किलोमीटर पहाड़ ऊपर चढ़ी डंगर बुढ़ा को पूजार्चना करी थांती। विश्वास रही डंगर बुढ़ा को पूजा कले भल वर्षा हुए एवं भल फसल मध्य हुए। वर्षा नहीं हेले केंता करी आमे बन्नी बुढ़ा को गुहार करमा केंता करी आमे तर पात तले खटमा केंता करी आमके भगवान वर्षा हेबा बोली के आमे ताके नई गुहार करी आई छु आमे एतकी 8-9 किलोमीटर हो तबे चली चली एतकी दुर्गे आसी छु 10 किलोमीटर जेते बेर छोड़सु वर्षा सुनिश्चित भाव हेसी आज भी जेनटा छोड़छु आमे छुआ पिला कार पंचा सारा एवं आमा कामना करछु जे बन्नी बुढ़ा टिल्ला अंतर वर्षा हो आ टिल्ला अंतर चासी वाले समस्त खुशी हों वर्षा पूरा भाव समस्त जेतु गुटे चाष वर्ष थी आम अंचल बाकी जगह ढालुआ चाष हमारी अंचल वर्षा गुटे निर्भर करसन तो वर्षा आम समस्त लाइक कामना कर। सगड़घाट ग्राम पंचायत अधीनस्थ गुदगुदा गाँव आदिवासी परंपरा रही वर्षा न हो मरुड़ी पड़े एठाकर लोके गाँव बाहरी समग्र पंचायत लोक गाँव 10 किलोमीटर जंगल भितर दे कदली झरण को चढ़ी जाती सेठे बाबा डंगर बुढ़ा पूजा पाई आसुंच बाबा डंगर बुढ़ा को पूजार्चना करने बोदा कुकुड़ा बलि देशी रंधा मद अर्पण कराए परे परे सेठारे दियारी एवं पूजारी शरीर को डंगर बुढ़ा प्रवेश करी थांती आउ वर्षा हेबना ना से ने सूचना मध्य देई थांती बर्नी बुढ़ा बोली करी ते बसंता कोले ई 5 वर्ष नै हेले तार माने इने के आसी करी गान भीमा ने फरसी छापी करी इने के आसी करी पूजा कोले आराम से बस फुल विश्वास जे तो परंपरा रो छु अरे छोड़ दे हम नुआ नहीं करबा। चलित बर्ष स्वाभाविक ठारु कम वर्षा जोगु राज्यर अनेक स्थान रे चास को नै चिंता रे चासी बलांगीर जिले रे मध्य समान अवस्था किए वर्षा को अनाई बसी तो किए जलसेचन प्रशासन द्वारस्थ हो आउ एठी आदिवासी पूजा रे व्यस्त। बलांगीर जिला टिटलागड़ रु अंकुर अग्रवाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज।